हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल PVR स्टडी। चलिए आज मैं आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में बताती हूँ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या होता है। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल को हिंदी में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, देख लीजिए गाइस। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल को हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका, प्लांट सेल को हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका, जिसको पूरा बोलेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो चलिए देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम कुछ दिखाऊंगी, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सारे डिफरेंट बताऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ओके गाइस, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लांट सेल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, जो देखिए ये हमारा एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि इसको प्लांट सेल बोलते हैं और इसको एनिमल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्लांट सेल होता है, जो जंतु कोशिका होता है, वो अनियमित आकार का होता है। जो हमारा जंतु कोशिका होता है वो अनियमित आकार का या गोलाकार का होता है। ठीक है, कौन, एनिमल सेल। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है गाइस, वो कैसा होता है, वो आयताकार या घनाकार होता है। ठीक है, या आयताकार होता है या घनाकार होता है। तो पहला डिफरेंट तो आपको यही पता चल गया कि अगर आपसे 5 डिफरेंट पूछते हैं तो 8 डिफरेंट आपको तो मालूम चल गया। आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा प्लांट सेल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है गाइस, वो आयताकार होता है या फिर घनाकार होता है। और एनिमल सेल कैसा होता है, वो अनियमित आकार का होता है या गोलाकार होता है। ठीक है, तो आपको इतना डिफरेंट तो पता चल गया। चलिए सेकंड नंबर बात करते हैं, सेकंड नंबर क्या होता है। ठीक है, सेकंड नंबर मैं आपको बता दूं, कुछ ओरली आप जान लीजिए, फिर उसके बाद मैं डायग्राम से आपको एक चीज बताऊंगी। जो हमारा प्लांट सेल होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, वो सभी एनर्जी को स्टोर करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पेड़ पौधे हैं तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना। ये हमारा प्लांट सेल है और इन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो जो प्लांट सेल होता है उसे एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन किसके रूप में स्टोर करती है, स्टार्च के रूप में होती है। ठीक है, मतलब क्या है इसके, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है वो दोनों एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन किस रूप में स्टोर करती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंट हमारा यहीं पे है। तो जो हमारा प्लांट सेल होता है वो स्टार्च के रूप में एनर्जी को स्टोर करती है, और जो हमारा एनिमल सेल होता है गाइस, वो हमारा क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। तो केवल आपको डिफरेंट यहीं पे देखना है। ठीक है, जो हमारा एनिमल सेल होता है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको, ठीक है, आप समझ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, जो हमारा, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो एनिमल सेल होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, और जो हमारा प्लांट सेल होता है वो स्टार्च के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें तो कन्फर्म हो गई। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आते हैं डायग्राम पे, डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में आपको दो, देखिए आपको इससे पहले मैंने दो डिफरेंट तो बता दिया। ठीक, एक किसकी आकार आकृति कैसी होती है और एक एनर्जी किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो बताऊंगी वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमारा कोशिका झिल्ली दिया है। देखिए ये हमारा कोशिका है, ठीक है, एनिमल सेल है। इसमें एनिमल सेल में कई प्रकार के कोश केंद्रक हैं, कई प्रकार के माइटोकांड्रिया हैं, गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरीके से बहुत सारे मतलब कि ऑर्गेनल इसमें हैं। ठीक है, तो मैं एक एक बता रही हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोशिका झिल्ली इसमें दिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोशिका झिल्ली आपको दिख रहा है, ये नाम है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहाँ पे दिख रहा है, जो ये कोशिका की बाहरी वाली परत है उसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस आप प्लांट सेल में देख लीजिए, प्लांट सेल में भी आपको कोशिका झिल्ली कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये आपका कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये हमारा कोशिका झिल्ली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छिपा हुआ है, ये हमारा कोशिका झिल्ली है। यह भी हमारा क्या है, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जो हमारी लेयर होती है वो हमारी कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, तो प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, एनिमल सेल में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन
प्लांट सेल में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ओके गाइस, तो आपको 3 क्लियर हो गए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर सबसे इजी है। आपको पता है कि प्लांट सेल जो हमारा होता है उसमें क्लोरोफिल जरूर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, ठीक है, प्लांट सेल में हरित लवक पाया जाता है जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक है, और जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन सेम चीज़ है एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, और इसी वजह से एनिमल्स हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आपको 4 चीज़ें क्लियर हो गई कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब हरित लवक पाया जाता है, और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर। ठीक है, अब हमारी बात आती है रिक्तिका की। आप हमारे डायग्राम में रिक्तिका देख रहे होंगे, ये हमारी रिक्तिका दी है। ठीक है, तो रिक्तिका भी पाई जाती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में भी रिक्तिकाएं पाई जाती है। देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है गाइस, ठीक है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ कहाँ पर रिक्तिका दिया हुआ है। ये देखिए रिक्तिकाएं ये दी है, ठीक है, तो प्लांट सेल में भी रिक्तिकाएं पाई जाती है और एनिमल सेल में भी रिक्तिकाएं पाई जाती है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है गाइस कि जो हमारी प्लांट सेल में रिक्तिकाएं पाई जाती है, ठीक है, प्लांट सेल में जो रिक्तिका पाई जाती वो बड़ी होती है। ठीक है, प्लांट सेल में रिक्तिकाएं जो पाई जाती हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। ठीक है, रिक्तिकाएं तो बड़ी होती हैं लेकिन संख्या कम होती है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है गाइस, एनिमल सेल में उसकी रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी होती हैं, उसकी रिक्तिकाएं छोटी होती हैं लेकिन संख्या में वो अधिक होती हैं। केवल इतना डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपका 5 तो ऐसे ही क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है गाइस, नेक्स्ट हमारा, चलिए आपको लाइसोसोम दिखाते हैं। आप इस डायग्राम में लाइसोसोम देख रहे हैं गाइस, ये लास्ट में दिया है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की बात करें तो गाइस जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आपको डायग्राम में कहीं लाइसोसोम दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतःपृत्वी जालिका, गोल्जी का है। ठीक है, आपको मतलब कि कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये गोल्जी का है, कोशिका झिल्ली, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है, केंद्रक है, साइटोप्लाज्म रिक्तिका है ना, लेकिन आपको यहाँ पे लाइसोसोम नहीं दिख रहा है। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। ये देखिए गाइस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा गाइस, हमारा एनिमल सेल में तो लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम को आप एक नाम से जानते होंगे जिसे आत्महत्या थैली बोलते हैं। तो गाइस लाइसोसोम को आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आत्महत्या थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है, जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो आपके 6 क्लियर हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है गाइस, नेक्स्ट जो हमारा होता है गाइस उसकी बात करें तो, ठीक है, देखिए अब बात करते हैं केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है, केंद्रक आपको साफ साफ दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, तो जो हमारा केंद्रक होता है गाइस वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन अंतर क्या होता है, बात यहाँ पे आती है। ठीक है, कि अंतर एनिमल सेल में भी केंद्रक पाया जाता है, प्लांट सेल में भी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो जो हमारा प्लांट सेल होता है गाइस उसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो परिधि की ओर उपस्थित होता है। आप देख रहे हैं ये जो होता है ये परिधि होती है। ठीक है, तो परिधि की ओर हमारा केंद्रक प्लांट सेल में उपस्थित होता है, और जो हमारा एनिमल सेल में होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, वो जो होता है हमारा मध्य में उपस्थित होता है, मतलब कि एकदम बीच में, बीच में हमारा केंद्रक। देखिए यहाँ पे आप गौर करिएगा गाइस डायग्राम में कि जो हमारा केंद्रक है वो ये है ना, ये तो ये परिधि की ओर उपस्थित होता है
है ना गाइस। तो और जो हमारा एनिमल सेल है उसमें एकदम बीच में हमारा केंद्रक उपस्थित होता है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये, ठीक। तो आपको इतना कंफर्म हुआ, आपका सिक्स नंबर खत्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है गाइस, इसकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रोसोम, ठीक है। आपको डायग्राम में सेंट्रोसोम दिख रहा है, केंद्रक के ऊपर था सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। आपको कहीं दिख रहा है सेंट्रोसोम, नहीं दिख रहा है ना गाइस। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। और जो सेंट्रोसोम होता है गाइस वो क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। सेंट्रोसोम का एक वीडियो मैंने बताया था आपको, ठीक है, आपने देखा होगा तो। लेकिन गाइस चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कुछ उसमें। सेंट्रोसोम एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं तारक काय। क्या बोला जाता है गाइस, तारक काय, ठीक है। जो कुछ पहिए के आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसकी खोज टी वावेरी ने की थी। किसने की, टी वावेरी की थी, ओके गाइस। तो आपको इतना कंफर्म हुआ, ठीक है, आपको मैंने सेंट्रोसोम के बारे में बता दिया। चलिए अब कुछ और बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं माइटोकांड्रिया, ठीक है। माइटोकांड्रिया आपको दोनों में दिख रहा है गाइस, ठीक है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक है। लेकिन अभी हम माइटोकांड्रिया, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा माइटोकांड्रिया जो होता है वो एनिमल सेल में भी पाया जाता है। माइटोकांड्रिया कहाँ पे दिख रहा है गाइस, देखते हैं। चलिए दिखा रहे हैं आपको माइटोकांड्रिया कहाँ पे, ये है, ठीक है। माइटोकांड्रिया इसमें भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी माइटोकांड्रिया पाया जाता है। तो इसमें दोनों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए और चीजों की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, हमारा क्या क्या हो चुका, कोशिका झिल्ली हो चुकी, माइटोकांड्रिया हो चुका, रिक्तिका हो चुकी, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, और लाइसोसोम हो गया, है ना गाइस। इतनी चीजें हो गई, कुछ चीजें बची हुई हैं। तो चलिए मैं आपको और चीज बता देती हूँ, हरित लवक भी हो चुका, ठीक है, मतलब कि प्लांट सेल में हो चुका, एनिमल सेल में होता ही नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ गाइस, आप एक पॉइंट और गौर देखिए, गौर से देखिएगा कि एनिमल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। इस चीज को बहुत ही माइंडेड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें पूछे जाते हैं कि एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल क्या है। तो आप बता सकते हो कि प्लांट सेल परपोषी है, क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एनिमल सेल परपोषी नहीं है। ये क्या है गाइस, ये गलत बता रहे हैं क्या, सही है, ठीक है। एनिमल सेल जो होता है वो स्वपोषी नहीं होते हैं, वो परपोषी होते हैं, और प्लांट सेल जो होता है वो स्वपोषी होते हैं, ओके गाइस। तो आपको इतनी चीजें कंफर्म हो गई हैं। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, अभी आप डायग्राम में मत जाइए, कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बता दे रही हूँ। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा गाइस कि जो हमारा प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे कि आपने ऊपर ही देखा था कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसमें मतलब कि जो प्लांट सेल और ये निर्जीव होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में सेलुलोज की जो बनी होती है वो निर्जीव होते हैं, और प्लांट सेल में आपको मैंने बताया था क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है, और एनिमल सेल में नहीं पाया था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें लवक पाया जाता है, ठीक है। लवक आपको कहीं दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है गाइस, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ कि हमारा प्लांट सेल जो होता है उसमें लवक पाया जाता है और एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता। लेकिन गाइस एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि प्लांट सेल में लवक तो पाया जाता है, लेकिन कवक को छोड़कर, कवक ऐसे होते हैं जिसमें लवक नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि कवक जो होते हैं वो प्लांट्स में आते हैं, और एनिमल सेल में लवक पाया जाता है लेकिन युगलीना में नहीं पाए जाते, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन युगलीना में पाए जाते हैं, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि प्लांट सेल में लवक पाया जाता है कवक को छोड़कर, बाकी सारे प्लांट्स में, और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन युगलीना ऐसे जंतु में जिसमें कवक पाया जाता है, ठीक है, सॉरी लवक पाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी गाइस, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इतना सारा डिफरेंट, ठीक है। अब चलिए और बात,
ओके गाइस, बाकी जितनी चीजें हैं वो दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। गॉल्जी का इसमें भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। अंतःप्रतिविजालिका भी पाया जाता है प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। बाकी जितने भी डिफरेंट है, मतलब जितने भी चीजें आपके डायग्राम में दिख रही है, उन सभी में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो जितना डिफरेंट था मैंने आपको इसमें से बता दिया। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ और भी डिफरेंट बता देती हूँ, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था गाइस, ठीक है, इन सब के बारे में। लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में दिखा दे रही हूँ, ठीक है। जैसा कि आप क्या है कि उस चीज को थोड़ा सा मैंने ओरली बताया था डायग्राम से, लेकिन आप लिखा हुआ आपको दिखा दे रही हूँ कि जो हमारा पादप कोशिका होता है और मतलब जंतु कोशिका होता है उसमें क्या क्या अंतर है, जो मैंने बताया है गाइस वही चीज लिखा हुआ है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है, मतलब कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में और इसमें नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम इसमें उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है और इसमें रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट और बताया था गाइस कि केंद्रक परिधि की ओर हो जाती है, परिधि की ओर स्थित होती है और इसमें केंद्रक के मध्य में होती है। तो मैंने ये चीजें आपको उस डायग्राम से बताया था, ठीक है। मैंने लिख कर इसलिए बता दिया ताकि आप अगर नोट करते हो तो आप भूलो नहीं, उस चीज को नोट कर सकते हो, ओके। तो आपको कम से कम 10 या 12 पॉइंट मैंने आपको एनिमल्स और प्लांट में बता दिया, लेकिन गाइस मैं आपको और भी बता दे रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से बता रही हूँ, जैसे कि आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं की जो लंबाई होती है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका की लंबाई होती है वो 10 से 30 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है गाइस। इस चीज को नोटेड करिएगा कि पादप कोशिका में जो हमारी लंबाई होती है वो 10 से 100 मीटर की होती है और जंतु कोशिका में 10 से 30 माइक्रोमीटर की होती है, ओके। अब देखिए मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख कर आपको साफ साफ इसलिए बता दिया ताकि आप नोट अच्छे से कर सको कि जंतु कोशिका कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे अनियमित और गोलाकार की, और पादप कोशिका मुख्य रूप से कैसी होती है, या आयताकार होती है या घनाकार की होती है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताया था गाइस, और देखिए इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि पादप कोशिका जो ऊर्जा स्टोर करती है वो स्टार्च के रूप में स्टोर करती है और जंतु कोशिका जो ऊर्जा स्टोर करती है वो किसमें करती है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में करती है। ये भी मैंने आपको बताया था ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, इस चीज को नोट कर लीजिएगा फिर से, कि जंतु कोशिका में केवल स्टेम जो होता है, मतलब कि जो जंतु कोशिका में स्टेम कोशिका ही अपने रूप में बदलती है, लेकिन पादप कोशिका जो होता है वो सभी कोशिकाएं अपना रूप बदल लेती हैं, ठीक है। मतलब ये गाइस कि एनिमल सेल में केवल स्टेम कोशिका ही अपना रूप बदलती है, लेकिन पादप कोशिका में अधिकतर सभी लोग, ठीक है, अपना रूप बदल सकती हैं, ओके। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉइंट बताया नहीं गया इसलिए इसको बहुत नोटेड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, पादप कोशिका अपनी कोशिका को बढ़ाने के लिए खुद को बड़ा करते हैं, लेकिन जिसके लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका जो हमारा होता है वो कोशिका को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाते हैं, ओके गाइस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जंतु कोशिका में 20 एमिनो पाए जाते हैं, एमिनो प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें से 10 प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है, मतलब कि 10 उत्पन्न करेगी जंतु कोशिका में 20 एमिनो प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन केवल 10 प्रोटीन को ही उत्पन्न कर सकती है। लेकिन पादप कोशिका में गाइस, पादप कोशिका में पूरी 20 एमिनो प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकती है, ठीक है, मतलब कि पूरे 20 को 20 वो उत्पन्न कर सकती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वही चीजें हैं, ठीक है, क्या है गाइस, देखिएगा जैसा क्या हमारा देख रहे हैं, पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली एक ही पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए गाइस मैंने इस तरीके से आपको पूरा का पूरा, ठीक है, बता दिया गाइस, ठीक है गाइस। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, ये 9 से लेकर, ठीक है,
जितना भी आप बीएससी अगर कर रहे हैं या एमएससी भी करते हैं, अगर आप एमएससी से भी बायोलॉजी करते हैं, तो उन सभी में नाइन्थ से लेकर आपको एमएससी तक आपको प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंट जरूर पूछा जाएगा। आप सभी क्लासेस के बुक्स देख सकते हैं, ठीक है गाइस। इसलिए आप प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ही नोटेड करके पढ़िएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड SSC या ग्रुप डी या NTPC या CHSL, इस तरह के जितने भी SSC कंपटीशन एग्जाम हैं, उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस चीज को बहुत ही नोटेड करिएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही।